श्याम रंग रंगा रे हर पल मेरा रे। नमस्कार, मैं हूं नेहा बाथम। गुलाबी नगर के श्याम रंग राजा भगवान कृष्ण के संग राधा के ऐसे रूप के दर्शनों का सौभाग्य जहां पहुंचकर कोई भी मनोकामना अधूरी नहीं रहती और जीवन हो जाता है धन्य। जयपुर में आज भी गोविंद देव जी की जी को राजा की तरह पूजा जाता है और एक राजा की तरह ही किया जाता है भव्य श्रृंगार, जिसकी लीला युग युगांतर से मानव जाति को जीवन का अर्थ समझाती आ रही है। ये किरणें भी उस धरती को चूम लेना चाहती हैं, जहां होते हैं द्वारकाधीश के दर्शन, जहां विराजते हैं लीलाधर घनश्याम गोविंद देव जी, गुलाबी नगर के श्याम रंग राजा। महलों और राजे रजवाड़ों के नगर जयपुर की सत्ता आज भी जिस राजा के हाथ में कही जाती है वो कोई और नहीं, इस भव्य और प्राचीन मंदिर में अपनी राधा रानी के साथ विराजे ये गोविंद देव जी ही हैं। तभी तो कहते हैं गोविंद जिनका नाम है, जयपुर जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। वैष्णव संप्रदाय के इस विशाल मंदिर का निर्माण आमेर के राजा भगवान दास के पुत्र राजा मानसिंह ने 1590 ईस्वी में करवाया था। लगभग 10 वर्ष में बने इस भव्य मंदिर के निर्माण में तब 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च आया था और यूरोप से आए वास्तुकारों ने मंदिर के निर्माण में विशेष भूमिका निभाई। इसीलिए मंदिर में जयपुर शैली की चित्रकारी के साथ यूनानी और यूरोपीय शिल्पकारी की झलक भी दिखाई देती है। मंदिर का विग्रह श्री राधा गोविंद जी की सुंदर झांकी से सजा है। कहते हैं वृंदावन में आक्रमणकारियों के भय से राजा सवाई जयसिंह के आदेश पर वैष्णव गुरु रूप स्वामी और सनातन गोस्वामी ने वृंदावन के श्री राधा गोविंद जी का विग्रह यहां लाकर प्रतिष्ठित कर दिया था। मन महाप्रभु जी के दो परम शिष्य रूप गोस्वामी जी और सनातन गोस्वामी जी को उनके आदेश अनुसार वृंदावन भेजा गया था, ताकि समय काल में जो श्री विग्रह एवं प्राचीन ग्रंथ लिप्त हो गए हैं उनका उद्धार किया जाए। तब ये श्री विग्रह जयपुर लाया गया। जब ठाकुर जी ने तत्कालीन राजा को स्वप्न दिया कि इस बारादरी को खाली कर दिया जाए, ये मेरे रहने का स्थान है, इसी कारण बारादरी को खाली करा के इसके चारों तरफ दीवार खिंचवा के यहाँ पर ठाकुर श्री जी को विराजमान कराया गया। ठाकुर जी के आने के पश्चात जयपुर का नींव 17 साल बाद जयपुर की नींव डाली गई, इसी कारण ठाकुर श्री जी को जयपुर का आराध्य देव माना जाता है। जयपुर में किसी राजभवन की तरह सुशोभित ये भव्य सूर्य महल, और इसी सूर्य महल में अपनी राधा रानी के साथ राजा की तरह विराजे हैं जयपुर के आराध्य श्री गोविंद देव जी, जिनके प्राकट्य और विग्रह का इतिहास सदियों पुराना है। ठाकुर श्री गोविंद देव जी का प्राकट्य का इतिहास ऐसा है कि कंस द्वारा जिस शिलालेख पे श्री कृष्ण के अग्रजों का 6 अग्रजों का वध हुआ था, उसी शिलालेख से ठाकुर श्री कृष्ण के प्रपोत्र बैजनाव जी ने 3 विग्रहों का निर्माण किया था। प्रथम विग्रह अपने दादी के कहे अनुसार प्रथम विग्रह का जो निर्माण किया वो उनके चरण ठाकुर जी से मिलते थे, उनको करौली मदन मोहन जी के नाम से जाना जाता है। उसके पश्चात उन्होंने जो ठाकुर का विग्रह का निर्माण किया उनका वक्षस्थल ठाकुर श्री जी से मिलता था, वो ठाकुर श्री गोपीनाथ जी के रूप में जाना जाता है। अंत में उन्होंने जो श्री विग्रह का निर्माण किया उनका मुखारविंद ठाकुर श्री जी से मिलता था, इसी कारण उसको देखते ही उनके दादी जी ने घूंघट काट लिया और वो उनके ही आज दर्शन ठाकुर श्री राधा गोविंद देव जी के रूप में होते हैं।
श्री राधा गोविंद देव जी, जिनकी महिमा के समक्ष झुकते श्रद्धा से भरे ये नयन जानते हैं कि इनमें कामनाओं के जितने निराकार चित्र हैं, वो श्री गोविंद देव जी के आशीष से ही साकार होंगे। इसीलिए सूर्य की पहली किरण फूटने से लेकर सूर्यास्त होने के बाद तक इस भव्य सूर्य महल में गुलाबी नगर के श्याम रंग राजा की प्रजा उमड़ी रहती है। जयपुर के इस राजा के दरबार में चौखट पूजा का विशेष महत्व है, जिसमें 56 भोग का प्रसाद चढ़ाकर भक्त रम जाते हैं अपने आराध्य की भक्ति में। राधा कृष्ण के इस दरबार में एक दो बार नहीं बल्कि 7 बार आरती का विधान है। खासकर श्रृंगार आरती के दौरान गोविंद देव जी श्रृंगार का साक्षी बनने का मौका कोई भी भक्त गंवाना नहीं चाहता। सूर्य देव के समक्ष नतमस्तक हो जब धरती भोर को आमंत्रित करती है, और थरा के आमंत्रण पर पूरब के गर्भ से ये सूर्य रश्मियां खींची चली आती हैं, तब सूर्य महल का ये प्रांगण भी श्री गोविंद देव जी की परिक्रमा स्थली में बदल जाता है। भक्तों के पांव आतुर हो उठते हैं उस पावन स्थली की परिक्रमा को, जिसके दर्शन मात्र से प्राप्त हो जाता है संसार का सारा वैभव। हर पल मेरा रे, मेरा मत वाला है मन, मधुबन तेरा रे, श्याम रंग रंगारे। जयपुर के इस विशाल और भव्य श्री राधा गोविंद देव जी मंदिर में चौखट पूजन का विशेष महत्व है, जिसमें भक्त अपने मन की कामना ठाकुर जी के समक्ष प्रकट करते हैं। चौखट पूजन का जो भी भक्त अगर अपनी मन्नत को या कुछ भी अपने ठाकुर जी की इच्छा प्रकट करना चाहता है, वो ठाकुर श्री जी के समक्ष चौखट पूजन करके अपनी इच्छा जाहिर करता है, और जो भी उसकी मनोकामना है वो ठाकुर जी को व्यक्त करने के लिए चौखट पूजन किया जाता है। सतरंगी आस्था से भरे इस वातावरण में श्री गोविंद देव जी की आरतियां भी 7 बार ही होती हैं। मगर हर आरती का महत्व एक दूसरे से बिल्कुल अलग होता है, ठीक उसी तरह जिस तरह हर आरती में अलग होता है ठाकुर जी का श्रृंगार। यहाँ पर अष्टयाम सेवा के अंतर्गत ठाकुर जी की सेवा होती है, जिसमें 7 झांकी दर्शन होते हैं। 8वीं झांकी जो ओलाई के दर्शन हैं वो लोगों को नहीं होते हैं। सुबह मंगला झांकी से लेके शयन झांकी तक ठाकुर श्री जी को विभिन्न प्रकार की पोशाक धारण कराई जाती है, एवं झांकियों के बीच में भोग इत्यादि लगाया जाता है। श्री गोविंद देव जी की आरतियों में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वो है उन्हें लगने वाला ये 56 भोग। मान्यता है कि ठाकुर जी भोग से अत्यंत प्रसन्न होते हैं, इसीलिए उनके भक्त उनके समक्ष 56 तरह के पकवान सजा कर रखते हैं। प्रातः मंदिर के कपाट खुलते ही ठाकुर जी का सुंदर श्रृंगार किया जाता है और उनकी मंगला आरती संपन्न की जाती है। मंगला आरती के बाद एक बत्ती से श्री राधा गोविंद देव जी की धूप आरती संपन्न होती है। कहते हैं श्री गोविंद देव जी का श्रृंगार नहीं देखा तो संसार में क्या देखा। इसी मान्यता के चलते यहाँ की श्रृंगार आरती में शामिल होने की ललक उम्र के हर सोपान पर एकाकार हो जाती है, और आस्था ऐसी जो हर मुश्किल प्रश्न का एक ही उत्तर जानती है, श्री गोविंद देव जी। सायंकाल में मंदिर खुलते ही सबसे पहले एक बत्ती से ठाकुर जी की धूप आरती होती है, और फिर श्री गोविंद देव जी का सुंदर श्रृंगार कर मंदिर में श्रृंगार आरती की जाती है।
इस आरती के बाद कई भक्त मंदिर में ही लौ लगाकर बैठ जाते हैं, तो कुछ व्याकुल मन से श्री राधा गोविंद देव जी की शयन आरती की प्रतीक्षा करते हैं। क्योंकि शयन आरती के बाद ही तो उन पर बरसना है वो अमृत, जिससे होते हैं संसार के सारे कष्ट दूर। मिलना है फूल और तुलसी का वो महाप्रसाद, जिसके कंठ से नीचे उतरते ही तृप्त हो जाती है जन्म जन्मांतर से प्यासी आत्मा। परिवार संग लीलाधर के दर्शन और कान्हा के भक्तों को भगवान के इस रूप के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त होता है नंदगांव में, जहां माता यशोदा, नंद बाबा, भाई बलराम और राधा रानी संग विराजते हैं भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण की भूमि ब्रजभूमि, कण कण कृष्ण का, कोने कोने में कान्हा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, और इस पूरे वातावरण को पवित्र करती मुरली की मधुर तान, जो युगों युगों से विश्वास दिलाती आ रही है कि आज भी अपने ब्रिज में वास करते हैं भगवान श्री कृष्ण। तभी तो क्या साधु, क्या संत और क्या कृष्ण के भक्त, कोई भी इस धुन के सम्मोहन से मुक्त नहीं होना चाहता, बल्कि सब रम जाना चाहते हैं श्री कृष्ण की उस छांव में जो मिलती है नंदगांव में। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा से लगभग 50 किलोमीटर दूर है नंदगांव, जिसका नामकरण हुआ बाबा नंद के नाम पर। कंस की आसुरी शक्तियों से बचाने के लिए नंद बाबा श्री कृष्ण के पैदा होते ही उन्हें मथुरा से नंदगांव ले आए, और नंदीश्वर पर्वत पर ये सुंदर नंद भवन बनवाकर यशोदा के साथ यहीं रहने लगे। नंद भवन जो अब नंद महल के नाम से प्रसिद्ध है। इसी नंद महल से माँ यशोदा श्री कृष्ण और बलराम का नित नया श्रृंगार कर उन्हें गौचारण के लिए विदा करती थी। साढ़े 5,000 साल पुराने इस नंद महल के विशाल बरामदे की छत पर आज कृष्ण काल के सुंदर चित्र अंकित हैं, और बरामदे के सामने ही है वो द्वार जिसे लांघते ही दर्शन होते हैं पूरे कृष्ण परिवार के। इस सुंदर झांकी में एक ओर नंद बाबा तो दूसरी तरफ प्रतिष्ठित है यशोदा मैया की प्रतिमा। और इन दोनों के बीच विराजे हैं श्री कृष्ण और बलराम, एक ही रंग रूप और एक सी वेशभूषा में। यही यशोदा के साथ कोने में किसी दुल्हन की तरह खड़ी है राधा रानी। धर्म में आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।